उबले डा जान मेरी, उबले डा जान मेरी, उबले डा शान मेरी, उबले डा मैविश मंसूर पारेख और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आज के लेडीज़ विंग के इवेंट पे, जहाँ के ऑपरेटिंग सारी ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट है औरतों के लिए। ये स्पेशली ये एक इवेंट क्रिएट किया गया है ताकि हम हमारी औरतों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दें, जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को लेकर आएँ, हमारे साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करें। और हम चाहते हैं कि हमारी औरतें ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ विंग का हिस्सा बने, ताकि हम हमारी कम्युनिटी को दूसरी दीगर कम्युनिटी से सबसे बेस्ट कम्युनिटी बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के राइट्स पे काम कर सकें, इनको एम्पावर कर सकें और इन्हें इस बात की सपोर्ट कर सकें कि वो अगर कोई ज़रिया कमाने का करना चाहती हैं या कोई भी स्किल्स है या कोई भी इंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ भी है, तो हम उन्हें सपोर्ट करें। On our physical health and our mental health too. Stand up. Sit down. Sit down. Sit down. Stand up. Clapping for all of them. और ओपरेटा जमात हमेशा इसी तरह से हर तरह के इवेंट करवाती हैं, चाहे वह ख़वातीन के हवाले से हो, ईद के हवाले से हो। तो मैं हाजी मंसूर पारेख साहब को और महविश मंसूर पारेख को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आज बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि वो एम्पावर हो सकें और डिफरेंट यहाँ पर एक्टिविटीज़ रखी हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इनके लिए रखी गई है, काफ़ी गिफ्ट्स रखे गए हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, कुकिंग कॉम्पिटिशन है और मेकअप कॉम्पिटिशन है। सो काफ़ी कुछ रखा गया है। पूरी टीम को हेड्स ऑफ और टीम को कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, क्योंकि इतना अच्छा और सक्सेसफुल इवेंट उन्होंने रखा है। और आज उपलेटा वुमेन एसोसिएशन की लेडीज़ विंग के तहत ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मसूद पारेख की रहनुमाई, उनकी सरबराई में अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन्स विंग का क़याम अमल में आया। एक साल भी पूरा नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन्स विंग ने बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स कर दिए। और आज का इवेंट्स आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत मुस्बत साबित होगा, बहुत कारामद साबित होगा हमारी लेडीज़ के लिए, हमारी वुमेन्स के लिए। जिस अंदाज में इन्होंने शॉर्ट टर्म में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और जिस तरह वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी उपलेटा कम्युनिटी और की जो लेडीज़ है और जो हमारी गर्ल्स हैं, जो यूथ है, उसको इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम मिलके एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और बहुत खुश हुई मैं यहाँ का आज का मोटिवेट देखकर, क्योंकि यहाँ औरतों को मोटिवेट किया जाता है। जिनके पास स्किल्स हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे पास पर्सनल पर तो बहुत क्यूरीज आती हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की, जब बात आती है अपने आप को शो करने की, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म्स की भी कमी है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की भी। तो हमने थोड़ी सी कोशिश हाजी साहब, हाजी मसूद पारेख साहब की निगरानी में, उनके गाइडेंस के अंडर हमने ये कोशिश की कि हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और हमारी चेयरपर्सन ताहिरा मसूद पारेख मैम, उन्होंने थ्रू आउट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हाजी मसूद पारेख की क़यादत में ओपलेटा जमात की वुमेंस जितनी आगे आई हैं, हमें उम्मीद है कि हाजी मसूद पारेख की क़यादत में वीमेन कम्युनिटी एक दिन बहुत ऊपर जाएगी। हाजी मसूद पारेख ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम प्लीज़ कम ऑन देशन एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग आए हैं
और अपना ज़रूर कीमती वक्त आज आपने निकाला होगा। संडे का दिन है, आराम का दिन है, जो कि औरतों के लिए आराम का दिन होता ही नहीं है। आपने कोई आइडियाज़ हो, कोई अगले प्रोग्राम के लिए आपने कुछ सोच रखा हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि ऐसे इवेंट हम करते रहा करें और आप लोग शरीक हुआ करें और आप इंजॉय करें सब। मुझे उम्मीद है आज आप ये प्रोग्राम इंजॉय करेंगे और घर से थोड़ा सा निकल के आएंगे, सबसे मुलाकात होगी, अच्छा लगेगा। मुझे आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ आना। तो बहुत शुक्रिया। उपलेटा मेमन फाउंडेशन, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स वेलफेयर सर्विस टू द मेमन कम्युनिटी। टुडेस इवेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सच एक्टिविटी। उपलेटा बजा के मुझे बताएंगे इनका। वेरी गुड, इनका या इनका, सबने जज कर ही लिया है। आईएन कंपटीशन में मदर्स का जो कंपटीशन है उनके विनर हैं सलमा। सलमा बहुत क्लैप सलमा। यहाँ पे सिंगिंग करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रोको रोको रोको। जो भी है सब मेरा, तुझे में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। अगर किसी घर में अगर डिसेबिलिटी है और हमारा इदारा आपके बच्चों के लिए कुछ कर सकता है तो यकीन जाने हमें बहुत खुशी होगी। आप अपने बच्चे को ज़ैनब रिहैबिलिटेशन पे ला के मुआयना करवा सकते हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है। कोई भी बच्ची चाहती है कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस ले, जिसमें एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं, टाई एंड डाई है, फैब्रिक पेंटिंग है और स्केचिंग है और इस तरह के कई सारे कोर्सेज उसमें हैं। तो ये आर्ट